किसान भाई राम राम। में मोहन लागर। आजकल ठंड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस ठंड की वजह से कई एरिए में जो है पाला पड़ने की शिकायत आजकल काफ़ी सामने आ रही है और मेरे पास डेली दर्जनों कॉल इस तरह की आती है कि हमारे चिया सीड जो है वो पाले की वजह से ख़राब हो रहा है, हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है। इस तरह की कई किसानों के मेरे पास डेली कॉल, व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह इस तरह के आते रहते हैं। किसान भाइयों देखो, ये मौसम ठंडा का है और कभी कभी ज़्यादा ठंड होने से, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने से पाले की शिकायत सभी जगह हो सकती है। हमारे यहाँ भी बीत थी और फिर अभी दोबारा ठंड पड़ने की ऐसी नौबत आ सकती है। तो किसान भाइयों, मैं इसके लिए आपको थोड़ा मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जो पाले की शिकायत बचने के लिए, पाले से अपनी फसल को बचाने के लिए जो है सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपके पास जो भी है सबसे पहले बात उसमें सिंचाई करो और सिंचाई में फंवारा अगर आपके पास उपलब्ध है तो हम ये फंवारा चला रहे थे, हमारे चिया सीड का एक खेत है। तो फंवारे से क्या होगा, पत्ते भी गीले रहेंगे और ज़मीन भी गीली रहेगी, भूमि में नमी रहेगी, तो जहाँ खेत में अपन ने पानी दे दिया है उसमें पाले की शिकायत की 50% संभावना घट जाती है। दूसरा अपन उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये मेरे हाथ में जो है इनानसर का एक बोतल है। ये इनानसर जो हिमगिरी ग्रीन हर्बल प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा से है और ये हमारे जैविक वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी द्वारा ईजाद किया हुआ प्रोडक्ट है जो काफ़ी आज पब्लिसिटी में है और इसके अच्छे गुण हैं। यह है गौमूत्र के द्वारा गाढ़ा तैयार किया है गौमूत्र का, उस गाढ़े से और इसके अंदर कई तरह की और भी द्रव्य उन्होंने मिलाए हैं और ये एक अच्छा एक कम्बिनेशन बनाया है ग्रोथ बूस्टर के रूप में। ये ग्रोथ बूस्टर का अच्छा काम करता है और लाइट गई है तो ग्रोथ बूस्टर में अच्छा काम करने वाला है। साथ में इसके अंदर जो है गौमूत्र का गाढ़ा है, गाढ़ा गौमूत्र को कई हज़ार लीटर गौमूत्र को कुछ प्रक्रिया द्वारा बहुत कम मात्रा में उसको परिवर्तन करने के बाद में ये तैयार किया गया है। तो गौमूत्र के अंदर किसान भाइयों आपको मालूम होगा एक गंधक की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में गौमूत्र में गंधक पाया जाता है और गंधक जो है अपनी फसल में एक घरमार देता है जिससे पाले के प्रकोप को हम नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक उत्पाद है, दोनों काम करेगा, ये आपकी फसल को पाले से भी बचाता है और आपकी फसल को जो है ग्रोथ बूस्टर के रूप में अच्छा एक टॉनिक, ग्रोथ बूस्टर बोलो आप, ग्रोथ टॉनिक बोलो, एक अच्छा काम करता है। मैं आपको मेरे खेत में हमने दिया है, ये ऑलरेडी पहले बोतल हमने खाली कर चुके हैं, ये देखो आप, ये खाली बोतल है, पहले हम दे चुके हैं ये और ये अभी दूसरी हमने चालू कर रखी है, अब दूसरी चालू कर रखी है। इसके अंदर जो है किसान भाइयों इस ग्रोथ बूस्टर में आप जो है जिनके पास में अगर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ही हमने बना रखा है, ये वेस्ट डिकम्पोजर का घोल हमने बना रखा है सभी ड्रमों में है, तो जो भाई जिनके पास में वेस्ट डिकम्पोजर का घोल है वो अपने टब, ये टब हमने डाल रखा है, इस टब के अंदर जैसे ही हम ये फूल भर लेंगे इसको, ये इस तरह से अभी दिखाते हैं, हमारे यहाँ लाइट अभी जा चुकी है, नहीं तो हम आपको दिखाते कैसे ये ड्रिप इरिगेशन है। तो जो किसान भाई के पास इस तरह का ड्रिप इरिगेशन लगा है, वेंचुरी सिस्टम लगा है, वो अपने वेंचुरी में वेस्ट डिकम्पोजर घोल के साथ में आप इसको जो है आप इसमें डाल सकते हो। एक एकड़ में दो बोतल आपको डालनी है, एक एकड़ के अंदर ये 500 ml का, 500 ग्राम का बोतल है और एक एकड़ में इसकी जो है इसकी मात्रा जो होती है वो दो बोतल की होती है, एक एकड़ के अंदर आपको दो बोतल की अनुपात में मात्रा। इसके अंदर आप ऐसे हम इस तरह से हम डाल चुके हैं, ये इस तरह से हमने डाल दिया है, ये हमने पहले भी चला रखा था ये, और इसके अंदर जो है इसको टब को हम जो है इस तरह से इसको फुल कर देंगे, वेंचुरी सिस्टम से ये बिल्कुल फव्वारे में डायरेक्ट चला जाता है।
तो हम तो किसान भाइयों जिनके पास में इस तरह का सिस्टम है वो इस तरह से कर सकते हैं, फव्वारे में देने की सुविधा जिनके पास है फव्वारे में दे सकते हैं। और जो किसान भाई के पास सिस्टम नहीं है, फ्लड इरीगेशन से पानी देते हैं या नहर से पानी देते हैं, उनके लिए जो है आप जब भी खेत में थोड़ा हल्का घूम सकते हो उस समय इसका आप टंकी के अंदर 200 लीटर ढोल के अंदर, यानी एक ये 50 जो आधा लीटर का जो बोतल है, यानी कि आधा लीटर का जो बोतल है उसको आप 100 लीटर पानी में मिला के, इसके अंदर भी लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, उसको मिला करके आप स्प्रे कर सकते हो। दो बोतल यानी एक लीटर लगभग हो गया, ये एक एकड़ का है, एक एकड़ के अंदर लगभग 200 लीटर पानी उपयोग में लगभग आता है, तो 200 लीटर में आप दो बोतल डाल करके इसका स्प्रे आप करने से आपके दोनों तरह से फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा आपकी फसल को एक ग्रोथ बूस्टर रूम में एक डोज मिल गया तो वो अच्छा एक ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन में इजाफा करेगा और फसल को एक बिल्कुल एक प्रोटेक्ट करेगा, ये हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो उससे दूसरा बात मैं करना चाहता हूँ किसान भाइयों को, जिनके पास ये कहाँ मिलेगा, ये मिलने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सबको, ये कहाँ मिलेगा, इसका जो है आप कहीं नेट पर सर्च कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। कंपनी के टोल फ्री नंबर इस पर है, मैं आपको बताना चाहूँगा 1800419 1868, इसके टोल फ्री नंबर है, इसके मोबाइल नंबर भी आपको मैं इस पर लिखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा 9811624448, यानी 4 3 बार 4 फिर 8, ये इसके मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट करिए, आप मंगा सकते हो डायरेक्ट भी। और ये जो है कहीं किसान सेवक कंपनी के कहीं किसान सेवक हैं, डॉक्टर साहब ने कहीं अपने अपने कई एरिया में पूरे भारत में किसान सेवक नियुक्त कर रखे हैं, बना रखे हैं, उनके पास में स्टॉक रहता है, वहाँ से भी आप संपर्क करके आप यह है बोतल मंगवा सकते हो, वहाँ आपको ये बोतल भी मिल जाएगा। वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसका हम बनाने के पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, एक दो वीडियो आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और दोबारा आप देख सकते हैं तो ये कैसे बनाई जाता है उसकी पूरी जानकारी। तो ये सब चीज़ें वहाँ से हम मंगा करके अपनी जैविक खेती को आप अच्छी तरह से बहुत कम खर्च में अच्छी तरह से आप लाभान्वित तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सबको धन्यवाद।